छूटा उड़ा लगा भाई, नेक्स्ट पाड़े लास्ट में देखा भाई ये हमारा मणिया भाई भाई पूरा भाई गैंग का लीडर बन गया है, बड़ा गुस्सा है और चैलेंजिंग बंदा है, डरता ही नहीं है भाई किसी से। तो देखते हैं, पुलिस वाले भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हमारे मजनू भाई वाले, उनको भी लग गई है दिल पे बात भाई। तो प्ले करें मनोहर, क्या है ये? तू जेल से भागा? नहीं, चारधाम की यात्रा करके लौटा हूं। उमर कह रही थी मुझे नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का पाप है मणिया सुबह। पाप? ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे भाई क्या हो गया? तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। रघु भाई बन गया। कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनेगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी जैसे पहले छोड़ा था। कहाँ जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले की कमी नहीं है शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझे? तू तो छूएगा ना? और तुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, घिन आती है मुझे तुझसे। हालत क्या चीज़? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का? तेरा गुस्सा जायज है जुबेर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी पर तेरे खून मायन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला लाला को जाकर ठोकना, यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था, देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे कुछ भी क्या तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी।
माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। क्या बात, कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचे यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबट, यहाँ गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। मत कर बाटला, जिसपे इतनी मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। नहीं सरकटी मुर्गी को देखा है भाई, कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। साहब, साहब, साहब मेरे को अंदर कर दो, साहब अंदर कर दो मेरे को, साहब मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। साहब वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार बैठा, साहब सादिक को भी मैंने मारा और वो याकूब को भी मारने का खत्म किया। साहब तेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब, आपको मेरे पे जो के सोपना है सोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब, ऐसा अंदर डाल दो। ए, ए, चल, चल। अंदर ला, डरता है। सलाम साहब, क्या खबर है? खबर एकदम कड़क है, आज वो होने जा रहा है जो बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब तक कभी हुआ नहीं है। सुला मस्तान और हक्सर भाइयों के बीच। कहाँ? हाजी मकसूद के घर। हम यहां सुलह कराने आए हैं, गली के कुत्तों की तरह लड़ने नहीं। मकसूद चाचा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आए हैं आपकी गुजारिश सर आंखों पर। हम आपसे वादा करते हैं कि दुश्मनी की आग हम नहीं जलाएंगे, मगर किसी और ने जलाने की कोशिश की तो उसे बुझाकर कुचलना हमें अच्छी तरह आता है। दिलावर बेटा, क्या हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? मकसूद चाचा, हम यहां सब मुसलमान हैं और एक सच्चा मुसलमान अपनी बात का बड़ा पक्का होता है। तो आओ कुरान पाक पर हम सब हाथ रखकर सुलह के इस फैसले को मुकम्मल करते हैं। वो ऐतिहासिक सुलह सारी सुलह का नौटंकी ज्यादा थी। उन सब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी। कसम उन्होंने खाई थी, मैंने थोड़ी। औरंगजेब और मीरजादा साले दोगले इंसान थे, सुपेर और दिलावर उन्हें पहचानने से चूक गए। तूने पहचानने के बाद भी उनसे हाथ मिलाया,
जब तो लोगों की पीठ में खुजली होती है तो वो एक दूसरे के काम आते हैं, और उन अक्सर भाइयों की लेने की मुझ में कितनी खुजली थी ये तो तू जानता ही है। काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा तू। रफ्तार तेज ना हो तो दुश्मन की चलाई गोली का काम आसान हो जाता है। काम की बात करें, जुबेर को खत्म करने का है। कर सकेगा? हथौड़े के सामने कील रख के पूछता है, ठुकेगा? मनिया तूने हाँ क्या दिया? ये काम इतना आसान नहीं है मनिया। आसान होता तो मनिया सुरभि के पास नहीं आते। ये शहर सिर्फ दो गैंग चलाते हैं, एक खुद चलकर हमारे पास आए मदद मांगने के लिए, तो वैसे भी हमसे कमजोर हो गए, और दूसरे को हम खत्म करेंगे तो इस शहर का बाप कौन? मनिया सुरभि। 40 सालों तक शहर पर मस्तानों ने हुकूमत की, फिर एक लौंडा खड़ा हुआ उन्हें टक्कर देने, उनकी ताकत को खत्म करने, इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने, सुबैर, और हम उसको मारेंगे। यही बात 100 साल बाद जमाना हमारे बारे में बोलेगा, फिर कोई दिलावर सुबैर या मस्तान को याद नहीं रखेगा, याद रखेंगे हमको, मनिया सुरभि और उसकी गैंग को। गुनेगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये यादगार बनने का मौका है। कौन कौन तैयार है? तू या तो मारेगा या तो मरवाएगा। मरवा दिया तो गम नहीं, लेकिन अगर मारा तो फिर हम किसी से कम नहीं। ये जो दो मुसलमान थे ना, जो पहले आदाब आदाब कर रहे थे, जुबेर कौन जुबेर इम्तियाज था, ये भाई अभी इन्होंने सारा भाई जिम्मा ले लिया, बोला कि तुम पुलिस वालों के दम ही नहीं है तुम में, और खुद ही उन कमीनों को मार दिया यार, जो हरामी जिन्होंने पहले रेप भी किया था, बड़े हरामी थे, एक तो गांडू गोला खा रहा था, ऐसा रगड़ा भाई साहब, ये कत्ल ऐसा देखा ही नहीं हमने आज तक भाई, जो गन्ने वाली कौन मशीन थी गोले वाली, उसमें जो पीसा ना भाई साहब, तो भाई मारी यार झटके दे दिए भाई, हमारा तो दिल ही बाहर निकल आया, ऐसी मौत दे रहे थे ना उस गोले वाले को यार, वो पीस दिया उसके, वो ये जुबेर भी बड़ा तेज है, दिमाग का टेढ़ा है भाई, खत्म कर दिया। इम्तियाज भाई भी यार अभी तो इन्होंने कसम खाई है, पर हमारा मैक्स भाई कहता है मैंने थोड़ी खाई है इनको, मैक्स भाई की दिमाग में अलग ही भाई गेम चल रहा है, सारी मैं ही कब्जा कर लूँ इस सारी देश पे, तो यार ये तो अलग ही लेवल का इनका जो है ना गुंडापन, मैं तो अलग लेवल का देख रहा हूँ इस बार यार। हाँ भाई, हरामी को गोला खाने का बड़ा शौक था ना भाई, गोला खा रहा था आराम से खा रहा था, वो दो भाई आ गए सलाम वाले भाई, उसको जो सजा दे दी ना भाई, आज तक हिस्ट्री में ऐसी सजा किसी ने भी नहीं दी, गोले की तरह उसको ही पीस डाला उधर, ऐसा ही गोला उसका ही निकाल डाला भाई, दूसरा वो शेप बना रहा था वो भी हरामी, उसके भी हाथ काट दिए, उसको भी बोला जाओ पुलिस स्टेशन में गुनाह कबूल करो, अरे वो भी डर के मारे भाई मुझे बंदर कर दो, मैंने ये हर चीज़ कर दिया। मजा आएगा ये जुबेर साहब तो भाई, कोई रहम ही नहीं, जालिम की तरह मार रहा है भाई, ये तो बड़ा भाई खतरनाक क्रिमिनल है, पहले तो मैंने कहा ये आदाब आदाब कर रहा है, बड़ा अच्छा मसल काम अच्छा किया मारा जिसको ना, वो भी हरम ही थे ऐसी मौत तो भाई नहीं देखी जिंदगी में भाई, मजा आ गया।